सभी छात्राओं को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका हमारे इस ई टीचिंग के चैनल मैथ सिनी जीवे शरण सिंह में आपका स्वागत है। जिस तरह से हम प्रतिदिन जितने हमारे नाइन्थ के छात्र छात्राएं हैं, चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर एक, चैप्टर दो, ऐसे हमारा चैप्टर दो चल रहा है बहुपद। तो बहुपद में हम मैंने आपको बहुत चीज़ें समझाई हैं, बहुपद की परिभाषा, बहुपद के प्रकार, शून्य के सब समझाए थे आपको। आज क्या आपको पढ़ना है बहुपद में? आज आपको पढ़ना है बहुपद में शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय क्या होती है, शेषफल प्रमेय से शेषफल कैसे निकाला जाता है, और शेषफल प्रमेय से संबंधित हमारे जो प्रश्न हैं उनको हम कैसे हल करेंगे, ये आप आज सीखेंगे इस ई टीचिंग की क्लास में। तो पहले शेषफल प्रमेय समझ लीजिए। शेषफल प्रमेय, यदि पी एक्स एक या एक से अधिक घात वाला बहुपद है तथा ए कोई वास्तविक संख्या है, तो यदि पी एक्स को रैखिक बहुपद एक्स माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल हमको पी ए प्राप्त होता है। उदाहरण से हम इसको समझेंगे। जैसे मान लिया हमको एक हमारा पी एक्स बहुपद है एक्स पावर थ्री प्लस वन, तो ये एक घात का हो सकता है या एक से अधिक घात का भी बहुपद हो सकता है। को यदि हम x प्लस वन से भाग दें, ठीक है, ये हमारा बहुपद है px, देखिए यहाँ पर एक वन है, तो संख्या कैसी है, वास्तविक संख्या हमने लिखा हुआ यहाँ पर, मैंने लिखा है वास्तविक संख्या। तो एक कैसी संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। तो कहा है वास्तविक संख्या को, वास्तविक संख्या अगर हो तो यहाँ पर लिखा है x माइनस ए से भाग दिया जाए, तो x माइनस ए से भाग दिया जाए मतलब कोई भी गुणनखंड बन सकता है। अगर यहाँ पर मान लिया हम x माइनस वन ले लें तो यहाँ पर वन हो जाएगी, ठीक है, से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना हमको प्राप्त होगा। तो एक तो क्या तरीका है शेषफल निकालने का, साधारण विधि से आप छोटे क्लासों में पढ़ रखा है, एक्स माइनस ए से इसको भाग कर देंगे और भाग करने के बाद हमें जितना प्राप्त हो जाएगा वो हमारा शेषफल होगा। लेकिन शेषफल से बहुत आसानी से कम समय में हम शेषफल ऐसे बीजीय व्यंजकों का निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जैसे ऐसे शेषफल निकालना है तो लिखेंगे, तो एक्स माइनस वन बराबर क्या लिखेंगे, जीरो, तो एक्स बराबर क्या आया, वन। यह जो मान आपका प्राप्त हुआ ये बहुपद में रखना है, तो पी वन बराबर, यहाँ देखिए यहाँ भी रखेंगे वन, तो वन की घात तीन करने कितना रहेगा, वन रहेगा, कितना आया, दो। ये शेषफल आपने शेषफल प्रमेय से आपने ज्ञात कर लिया। वैसे क्या होता अगर ये शेषफल प्रमेय हम नहीं लगाते, हमको शेषफल ज्ञात करना होता, x माइनस वन से हम इसको भाग देते और पूरा लंबी प्रक्रिया होने के बाद में लास्ट में आपका जब शेषफल प्राप्त होता वही क्या हो जाता, शेषफल। तो इस शेषफल प्रमेय से बहुत कम समय में और आसानी से शेषफल ज्ञात किया जा सकता है, यह कहलाती है शेषफल प्रमेय। एक अन्य उदाहरण के माध्यम से हम कुछ प्रश्न ले लें जिससे आप उसको हल भी कर सकें उन प्रश्नों को। तो प्रश्न पहले लिख लेते हैं उसको, फिर तभी आप उसको एक एक करके समझते जाएंगे। तो इस प्रश्न को देखिए, इसमें हमको शेषफल प्रमेय से शेषफल निकालना है। क्वेश्चन है एक्स घात तीन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। अब इस बहुपद में अगर हम ये नीचे लिखे हुए बहुपद देखिए, रेखीय बहुपद लिख लेते हैं, अगर इन रेखीय बहुपद से हम भाग दें तो शेषफल हमको कितना प्राप्त होगा। जैसे x प्लस वन है, हम इसको पूरे से भाग, x प्लस वन से इस बहुपद को भाग लगाएं तो शेषफल निकलेगा, लेकिन वैसे उस लंबी प्रक्रिया से नहीं निकालना है हमको। हमको क्या निकालना है, शेषफल प्रमेय से इन बहुपदों का रेखीय बहुपदों से भाग देने पर शेषफल हमको ज्ञात करना है। तो जैसे मान लिया हम आपको एक क्वेश्चन करके दिखाएं, मान लिया दूसरा वाला हमको दिखाते हैं, दूसरे वाले का सलूशन लेंगे, तो पहले क्या करेंगे आप, एक्स माइनस एक बटे दो बराबर क्या लिख दिया आपने, जीरो, ठीक। अब एक्स बराबर हमको कितना प्राप्त हुआ, एक बटे दो। अब क्या करेंगे आप, ये जो बहुपद आपने लिखा है इसको आप चाहे पी एक्स मान लीजिए,
तो पी एक्स हमने मान लिया x घात 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस फिर 3x प्लस के 1। जो x का मान आपने यहाँ प्राप्त किया है वह इसमें रखिए आप, हम 1/2 x की जगह पर पूरे में लिख दीजिए 1/2, तो यहाँ 1/2 की घात 3 गुणा 1/2 की घात 2 3 गुणा 1/2 प्लस 1। 1/2 की जब 3 बार गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 1/8 बन जाएगा। ऐसे ही इधर देखिए, 1 गुणा करने पर 2 घात है 4 बन जाएगा, 3/2 प्लस 1। ऐसे ही 1/8 हो गए प्लस के 3/4 और प्लस के 3/2 प्लस का। अब इन बहुपदों का जो परिमेय भिन्न संख्याएं दे रखी हैं इनको हम एलसीएम लेकर हम इनको जोड़ सकते हैं, पूरा हमारा बहुपद मान लिया हम एलसीएम कितना हो जाएगा 8। तो 8 × 1 = 8, 4 × 2 = 8, तो 3 × 2 = 6 हो जाएंगे ऊपर, 2 × 4 = 8, 4 × 3 = 12 हो जाएंगे और यहाँ पर पूरे 8। ठीक है, 4 × 2 = 8 यहाँ पर 6 हो गए, यहाँ पर 2 × 4 = 4 × 3 = 12 हो गए प्लस 8 हो गए। अब इनको जोड़ लीजिए, तो 12 × 8 = 20, 6 × 26 = 27, 27/8। इस तरह से शेष पद प्रमेय से हम दिए हुए बहुपद को किसी रैखिक बहुपद से भाग लगाए बिना ही हम उसका शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे एक क्वेश्चन आपको बता दिया हमने, जैसे अब कभी कभी इसमें लिखा हुआ है इसको भी आप समझा देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड में क्या करेंगे, इसमें थर्ड क्वेश्चन जो आपका ले रखा है इसमें x प्लस 5 है, करना कुछ नहीं है, प्रक्रिया सबके लिए सेम रहेगी। x बराबर हो जाएगा माइनस का 5, अब यहाँ पर 5 रख दीजिए x की जगह पर, तो माइनस का 5 और यहाँ माइनस 5 की घात 3, 3 गुणा माइनस 5 की घात 2, 3 गुणा माइनस 5 प्लस 1। अब इसकी जरा जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5 तो माइनस बना रहेगा और 5 पावर हो जाएगा 3, यहाँ पर एक प्लस हो जाएगा 3π² हो जाएगा और यहाँ पर माइनस के 3π और प्लस का ए हो गया इसका शेष पर। इस तरह से हम चाहे तो 22/7 मान रखकर हल भी कर सकते हैं, लेकिन वो जब पूछें आपको उसका आवश्यकता हो तो हल करें, नहीं तो उसको नहीं छोड़ना। इस तरह से बिना भाग लगाए शेषफल प्रमेय से हम शेषफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ये तरीका हो गया शेषफल प्राप्त करने का। अभी जो क्वेश्चन आपको हमने समझाया था उसमें जो शेष खंड थे वो आप होमवर्क में उसको हल करेंगे और जिससे आपके अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। अब शेषफल प्रमेय हो गई, अब गुणनखंड प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय समझ लीजिए, इससे आपको गुणनखंड ज्ञात करना पड़ेगा। तो गुणनखंड प्रमेय क्या होती है, हमने वही मान लिया कि पी एक्स हमारा एक बहुपद है, एक से अधिक घात वाला, एक है, एक के बराबर है, एक से अधिक है, ये कोई वास्तविक संख्या है। यदि पी एक्स को एक रैखिक बहुपद एक्स माइनस ए से भाग दिया जाए, तो यदि शेषफल पी ए क्या प्राप्त हो, जीरो, जीरो प्राप्त हो भाग दिया जाए, यदि शेषफल पी ए बराबर क्या प्राप्त हो जाए, जीरो, तो एक्स माइनस ए बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। समझाई बात, कोई पी एक्स बहुपद है और उसको हमने मान लिया एक्स माइनस ए से भाग दिया, भाग देने पर शेषफल निकाला और शेषफल हमको क्या प्राप्त हो गया, जीरो, तो यही x माइनस ए पी एक्स बहुपद का क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। अब एक उदाहरण इससे समझ लेंगे, तो गुणनखंड प्रमेय आपने समझी, एक बार इससे समझ लेंगे, यदि हम x माइनस ए से बहुपद पी एक्स को भाग लगाएं और हमें शेषफल क्या प्राप्त हो, जीरो, तो x माइनस ए इस पी एक्स बहुपद का गुणनखंड कहलाता है। इसको व्युत्क्रम में देखें, x माइनस ए यदि पी एक्स का गुणनखंड है तो शेषफल जीरो प्राप्त होता है, ये भी ध्यान रखना। उल्टा है इसका व्युत्क्रम समझ लीजिए, अगर x माइनस कोई बहुपद, कोई रैखिक बहुपद किसी दूसरे बहुपद का गुणनखंड है तो उसके द्वारा शेषफल हमको कितना प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा।
एक सवाल हमने आपको क्वेश्चन रखा है, उसमें तीन खंड है, तो एक हम आपको समझाते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि पी जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, एक गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करेंगे, हमको जी एक्स के बारे में बताना है कि हमारा इसका गुणनखंड है या नहीं। तो क्या करें, जी एक्स बराबर आपका कितना लिखा है, एक्स प्लस वन लिखा है। यदि एक्स प्लस वन बराबर आप यहाँ से मान निकाल लीजिए, आपको वास्तविक संख्या चाहिए ना। यदि एक्स प्लस वन बराबर जीरो तो एक्स बराबर क्या हुआ, माइनस वन। अब हम क्या करेंगे, पी एक्स में इसको रखना है। तो पहले तो हम पी एक्स बफर लिख लेंगे, दो एक्स पावर थ्री प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के दो एक्स माइनस का वन, माइनस का वन यहाँ पर रख लीजिए, ये माइनस वन हमने रख दिया, माइनस वन। गुणनखंड करेंगे तो माइनस का वन आ जाएगा, ये प्लस का वन और ये प्लस का दो माइनस का वन, माइनस की दो और जब देखिए प्लस के दो बचे, माइनस प्लस एक घट गया आपस में, तो शेषफल क्या आया, जीरो। हमने क्या किया, कितना रखा था यहाँ पर, इसमें हमने माइनस वन रखा था, तो माइनस वन रखा वास्तविक संख्या माइनस वन के लिए, शेषफल हमको क्या प्राप्त हो गया, जीरो। एक्स प्लस वन तो शेषफल हमको जीरो प्राप्त हो गया, शेषफल बराबर क्या प्राप्त हुआ, जीरो। तो हम कह सकते हैं, कह सकते नहीं कहेंगे ही कि x प्लस वन की, इसलिए x प्लस वन इस पी एक्स का एक गुणनखंड है। इस तरह से शेषफल गुणनखंड प्रमेय से हम किसी भी बहुपद का कोई दिया हुआ पद हमारा गुणनखंड है या नहीं, आसानी से हम इसको बता सकते हैं। अब ये दो खंड हैं, आप इसको कॉपी पे अपने लिखकर इसको इसी तरह से हल करिए, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको और ये शेषफल प्रमेय गुणनखंड प्रमेय आपको और ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो इसी तरह से आपको अन्य टॉपिक भी मिलते रहेंगे, हम आपको क्रम बाय क्रम, कोई भी चीज़ छूटने वाली नहीं है, एक तरफ से एक सीक्वेंस में बिल्कुल लेकर चल रहे हैं कि जिससे कोई भी टॉपिक ना छूटे, पूरा सिलेबस कवर हो जाए और पूरा अच्छी तरह से आप सभी टॉपिक आप समझ लें, पढ़ लें, सीख लें, उसको कहीं से कुछ छूटे ना। तो इसलिए चैनल को ज़रूर लाइक, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम प्रत्येक टॉपिक पर नए नए वीडियो जब बनाते रहेंगे और आपके लिए देते रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे कि आप ना काम कर सकते हो। इन दोनों क्वेश्चन को हल करके आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में इनके आंसर भी हमको बता सकते हो, गुणनखंड है या नहीं है, इससे हमको पता लगेगा आप कितना सीख रहे हैं और एक मन अच्छा बना रहता है, आगे कुछ अच्छा करने का आप इतना काम करते रहिए।